दोस्तों जब किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसका अंतिम संस्कार उसी के धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार किया जाता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार करने के लिए शवों को जला देते हैं, तो वहीं अन्य धर्मों में लोग शवों को दफना देते हैं। सामान्यतः मनुष्य की मौत के बाद उसका मृत शरीर कुछ समय में खराब हो जाता है और उसे देर तक नहीं रखा जा सकता। लेकिन आधुनिक काल में कुछ ऐसी भी डेड बॉडीज हैं जो कई सदियों के बाद भी सुरक्षित हालत में है। ऐसे ही आज हम आपको इस वीडियो में सैकड़ों साल पुरानी ममीज के बारे में बताएंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। सेंट जीटा, इटली के लुक्का कस्बे के बेसिलिका दी सेंट फ्रेडियानो में सेंट जीटा की बॉडी रखी गई है। यह एक कैथोलिक संत थी और जरूरतमंदों की देखभाल करती थी। लोगों ने दावा किया कि 1272 में जब सेंट जीटा की मौत हुई तो उसके घर के ऊपर एक तारा दिखाई दिया था। 1580 में उनकी बॉडी को खोदकर जब निकाला गया तो वह सुरक्षित हालत में मिली, जिसके बाद जीटा को 1696 में संत घोषित किया गया। ला डोनसेला नामक इस महिला की दक्षिण अमेरिका में किसी ऊंची पहाड़ी पर बलि दी गई थी, जिस कारण इनकी मौत हो गई। पहाड़ के वातावरण में महिला का शरीर सुरक्षित बना रहा। करीब 500 साल बाद ला डोनसेला की बॉडी बर्फ में जमी हुई मिली तथा तब से लेकर आज तक इस महिला की बॉडी वैसी की वैसी सुरक्षित है। जॉन टॉरिंगटन, यह बात 1846 की है जब एक अंग्रेजी ऑफिसर जॉन टॉरिंगटन नॉर्थ वेस्ट पैसेज की खोज में अभियान में लगे हुए थे, लेकिन इस दौरान उनकी मौत हो गई। उस समय उनकी उम्र महज 22 साल की थी। मौत के बाद उनकी इस बॉडी को कनाडा के आर्कटिक के बैरिन टुंड्रा में दफन किया गया। 1984 में जब टॉरिंगटन की कब्र को शिफ्ट करने के लिए खोदा गया तो सभी लोग हैरान रह गए। टॉरिंगटन की डेड बॉडी वैसी की वैसी ही थी। इस बारे में उस समय मीडिया में काफ़ी खबरें भी पब्लिश हुई थी। डेसी डोरजहो इटिव ग्लोव, डोरजहो इटिव ग्लोव एक बौद्ध भिक्षु थे। सन 1927 में मेडिटेशन करते वक्त उनकी मौत हो गई थी। तब उनकी डेड बॉडी को ठीक इसी पोजीशन में जमीन में समाधि दी गई। 1955 में एटिव ग्लोव के अनुयायियों ने उनके समाधि स्थल को खोला तो बॉडी ध्यान करने की पोजीशन में वैसे की वैसी थी। यह देखकर लोग हैरान हो गए। इसके बाद इस बॉडी को एटिव ग्लोव खाम्बेयन पैलेस टेम्पल में रखवा दिया गया। रोसालिया लोम्बार्डो, सिसली की राजधानी पालोर्मे में रोसालिया लोम्बार्डो नाम की 2 साल की बच्ची की डेड बॉडी रखी हुई है। इस बच्चे की मौत 1920 में हुई थी। इसके पिता ने एक्सपर्ट से अपने बेटे की बॉडी को सुरक्षित करवाया। एक्सपर्ट ने इस डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए अल्कोहल, सैलिसाइलिक एसिड और ग्लिसरीन के मिश्रण से ऐसा केमिकल तैयार किया जिससे आज भी यह बॉडी सुरक्षित रखी हुई है। व्लादिमीर लेनिन, सन 1924 में सोवियत संघ के नेता व्लादिमीर लेनिन की मौत हो गई थी। तब सोवियत सरकार ने आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए उनकी बॉडी को सुरक्षित रखा। इस बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए केमिकल से नहलाया जाता है और इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आज भी लेनिन की बॉडी ऐसी लगती है जैसे मानो वह जीवित हों। टोलुंडमैन, डेनमार्क के जटलैंड पेनिसुला में टोलुंडमैन की बॉडी काफ़ी संरक्षित हालत में रखी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टोलुंडमैन की मौत 4वीं ईसा पूर्व शताब्दी में हुई थी। यह बॉडी जिस तरह की मिट्टी में रखी हुई है उसमें डेड बॉडी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का गुण है। यह डेड बॉडी लगभग 3359 से 3105 ईसा पूर्व के बीच की है। लेडी जिनझुई, लेडी जिनझुई हान राजवंश के एक राजनीतिज्ञ की पत्नी थी। इनकी डेड बॉडी भी दुनिया की सबसे संरक्षित ममीज में से एक है। जिनझुई की मौत लगभग 163 ईसा पूर्व में हुई थी और 2000 साल बाद जब 1972 में लेडी जिनझुई के मकबरे को खोदा गया तो बॉडी बेहद सुरक्षित हालत में थी और नसों में ब्लड भी मौजूद था। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इनकी मौत हार्ट की बीमारी से हुई होगी। ओत्जी, इटली के साउथ टेरोल में ठंड के कारण यह बॉडी आज भी काफ़ी सुरक्षित है। यह लगभग 3359 से 3105 वर्ष ईसा पूर्व के बीच की है। यह यूरोप की सबसे पुरानी मम्मी है। यह बॉडी कॉपर एज की याद दिलाती है। डेड बॉडी में जो कपड़े हैं वे घास और चमड़े के बने हुए हैं। डेड बॉडी के पास एक कुल्हाड़ी, चाकू, तरकस और एक मुट्ठी बेर भी मिले थे। संत फ्रांसिस जेवियर, यह डेड बॉडी भारत में ओल्ड गोवा के
बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस में रखा हुआ है। संत फ्रांसिस जेवियर का मृत शरीर आज भी सामान्य अवस्था में रखा हुआ है। यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि यह शव पिछले 460 सालों से बिना किसी लेप या मसाले के आज भी एकदम तरोताजा है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें।